हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन माय नेम इज़ प्रीति। एंड गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर क्रिम्पर का रिव्यू जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे क्रिम्पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरा जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट एंड थोड़ा सा मतलब वो है, थोड़ा सा बहुत थिन है एक्चुअली। एंड क्रिम्पर से थोड़ा सा यू नो हेयर को वॉल्यूम मिलता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे एक क्रिम्पर तो चाहिए। जो मैंने मीशो का क्रिम्पर लिया था मिनी वाला, वो इतना अच्छा नहीं था, सोच के मैंने उसे रिटर्न कर दिया। एंड एक्चुअली में वो अच्छा नहीं था, वो थोड़ा सा भी क्रिम्पिंग नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब ये बड़ा वाला मंगवाते हैं। पर यहाँ पे दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा दूँगी फोटो अटैच करके, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑस्को वुमेन्स मिनी क्रिम्पिंग स्टाइल मशीन फॉर हेयर इलेक्ट्रिक हेयर क्रिम्पर हेयर स्टाइल ब्लैक। ठीक है, ब्लैक लिखा है ना आपको मैं, और ऑस्को का लिखा है। ठीक है, एंड मुझे रिसीव हुआ ये, एज यू गाइस कैन सी, तो लाइक बड़ा ही है, इतना छोटा भी नहीं है, मिनी वाला नहीं है, पर आप लोग देख सकते हो इसका मीडियम साइज़ है। ठीक है, ये इतना बड़ा भी नहीं है, इससे भी बड़ा होता है मैंने देखा है। एंड आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ में है। एंड यहाँ पे ऑस्को लिखा था, पर यहाँ पे इनोवा लिखा है, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे इनोवा लिखा है, पर यहाँ पे ऑस्को वुमेन था। पता नहीं इसका ब्रांड कौन सा है और ये कौन सा वाला है, पर ये दोनों मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट रिसीव हुआ। मैंने जो ऑर्डर किया था वो ब्लैक कलर में था, एंड ये मुझे लैवेंडर कलर में रिसीव हुआ। एंड चलो, जैसा भी रिसीव हुआ, ये अगर अच्छा काम करता है तो हमारे लिए वही काफ़ी है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। एंड गाइस, अगर मैं ओवरऑल इसका लुक का बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चीप लग रहा है दिखने में, एंड लाइक कुछ मतलब लगता है कि थोड़ा कुछ प्रेशर देने से ये टूट जाएगा। बहुत मतलब प्लास्टिक मटेरियल का है, एंड बहुत ज़्यादा मतलब चीप मटेरियल का है, देखने से पता चलता है एंड छूने से तो और ज़्यादा पता चलता है, एंड बहुत लाइट वेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसा करता है। तो सबसे पहले मैं इसे प्लग को इन कर देती हूँ। सो गाइस, इसे मैंने प्लग इन कर लिया, एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे आपको रेड लाइट दिख रहा है। एंड यहाँ पे मेजरमेंट का तो कुछ भी नहीं है, एंड हमें बस ऑन एंड ऑफ वाला बटन मिलेगा, और बाकी देखते हैं ये कैसा कितना टाइम में लाइक गर्म होता है एंड कैसे ये कर्ल देता है। तो तब तक हम अपने हेयर को थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। बाय द वे गाइस, हेयर प्रोडक्ट या फिर स्किन प्रोडक्ट जो कुछ भी हम लोग आपको रिव्यू देते हैं ना, ये सब ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले ट्राई करें फिर आप लोग ले, अगर अच्छा हुआ तो अगर बुरा हुआ तो जो कुछ भी होगा उसका जो डिसएडवांटेज है वो हमें मिलता है। इसीलिए इन्फ्लुएंसर लोग का लाइफ भी इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। आप लोग ये सोचते हो कि लाइक वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पर उनमें से कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा ख़राब से वर्क करता है, एंड उसको ठीक करने में भी हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो जैसे आता है वैसे लेक जाता भी है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की वाला काम है। एंड या ये सब ज्ञान इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि वो गर्म हो रहा है, एंड आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा ये गर्म होने में। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, आई गेस वो गर्म हो गया, अब देखते हैं। आप लोग देख सकते हो ये, यस मुझे थोड़ा सा गर्म वाला मतलब लग रहा है इसका, तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। थोड़ा सा इतना इतना लेते हैं। ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा यार, एक्चुअली कैमरा मुझसे बहुत दूर है एंड मेरे सामने मिरर नहीं है, तो मुझे इधर से दिखाई नहीं दे रहा। रुकिए मैं मिरर लेके आती हूँ। ठीक है, सो मैं मिरर लेके आ गई, एंड अभी देखेंगे ये कैसा। यस गाइस, ये थोड़ा सा तो काम किया, पर इतना भी ज़्यादा काम नहीं किया है, तो और एक बार करके देखते हैं। शायद इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा रुकती हूँ, इससे थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ और फिर और एक बार ट्राई करूँगी। ठीक है, एक्चुअली मैं कितना टाइम से एक अच्छा क्रिम्पर ढूंढ रही हूँ जो अफोर्डेबल भी हो और अच्छा वर्क भी करे, पर मुझे अभी तक ऐसा क्रिम्पर मिला ही नहीं, क्योंकि मीशो से भी मैंने एक मिनी क्रिम्पर मंगाया था, उसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया था, वो भी अच्छा नहीं था, तो उसे मैंने रिटर्न कर दिया। एंड इससे मैंने ऑर्डर किया, एंड इससे मुझे कुछ होप तो नहीं है, बट फिर भी देखते हैं कि यह कैसा निकलता है, क्योंकि कोई कोई चीज़ होता है जिसमें हमारा होप तो नहीं होता पर वो बहुत अच्छा टर्नआउट होता है।
तो लेट्स सी, आई गेस ये अच्छे से हीट हो गया होगा, अभी देखते हैं. ठीक है, ये वाला साइड को क्रीम करते हैं. गाइस क्रिम्पिंग तो हो रहा है बट नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ना हैवी वाला क्रिम्पिंग, एक्चुअली मैं इससे ऊपर मैं दबा नहीं पा रही हूँ एंड यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट अच्छे से ये मतलब प्रेस नहीं हो रहा है, बस यही चीज़ ही प्रेस हो रहा है, ये वाला प्रेस नहीं हो रहा है और मैं थोड़ा सा ऊपर में दबा नहीं चाहती तो ये पूरा गर्म है तो इसमें मैं टच भी नहीं कर सकती. तो और एक बार देखते, रुकिए. यस गाइस, ये बहुत सुंदर से लाइक क्रिम्पिंग तो कर दिया इसने मेरा बाल को, बट थोड़ा सा ही हुआ है, आप लोग देख सकते हो. एंड जितना भी बाल मेरा ये आगे वाला पार्ट में आ रहा है ना, वही सब अच्छे से क्रिम्पिंग हो पा रहा है. और ये जो पूरा ये वाला जो पार्ट है ना इधर से पूरा ये आधा वाला पार्ट में तो अच्छे से हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो प्रेस ही नहीं हो रहा है. शायद मुझे ग्लव्स पहनना पड़ेगा इसको प्रेस करने के लिए. और एक बार देखते हैं. नो, मुझे पसंद नहीं आया गाइस सच बोलूँ तो, क्योंकि इतना छोटा छोटा और वो भी पूरा ये जितना इसका प्लेट्स है ना ये पूरा इसमें बाल नहीं आ रहे, जितने भी मतलब इस वाले ये नीचे वाले सेक्शन में आ रहे हैं ना वही सब कर्ल हो रहा है, बाकी ये पूरा हाफ तो ऐसे ही वेस्ट है. तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ पहले, फिर मैं आपको रिव्यू बताऊँगी. लेकिन क्या ही बताना, आप लोगों ने तो देख ही लिया कि ये कैसा काम करता है. सच बोलूँ तो ये आगे वाला ठीक ठाक लगा है मुझे, पर इतना लाइक कौन दबाएगा उसको, उस हाथ जल जाएगा, बहुत रिस्की वाला बात हो गया ना उसे यूज़ करना तो. और ऊपर से वो प्लेट्स भी सब कुछ लाइक अच्छे से दब नहीं रहा था, तो उसको कौन करके देगा. अगर आपके घर में कोई सिस्टर वगैरह है जो आपको हेल्प कर सकते तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि सिस्टर को बोला कि एक हाथ में कुछ रैप करके उससे दबा देने के लिए. अदरवाइज़ अगर आप अकेले हो घर पे एंड आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि देखो आप अकेले तो कर नहीं सकते. वैसे ही अगर आप नॉर्मल क्रिम्पर लेके अगर आप करने जाओगे तो भी बहुत मेहनत लगता है, ऊपर से दोनों हाथ से उसे प्रेस करना, एक हाथ में कुछ बांध के रहना, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा. तो गाइस लाइक मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि एक बार मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेके देखना होगा कि वो कैसा वर्क करता है, क्योंकि जितना भी मैंने ये अफोर्डेबल प्राइस में क्रिम्पर सब ऑर्डर किया वो कोई भी अच्छा नहीं निकला. तो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्रीम पर लूँ एंड उसको ट्राई करूँ एंड देखें कि वो कैसा रिजल्ट देता है. ठीक है, तो गाइस आज तो मेरा यही मानना है कि ये मत लो क्योंकि लाइक वर्थ इट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उससे अच्छा 300 रुपये में कुछ और चीज़ ले लो, टॉप ले लो या कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट ले लो, वो ज़्यादा वर्थ होगा रादर देन बाइंग दिस. तो यस गाइस मत लेना, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरी वीडियो पर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू ऑल.